हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो यादों के किसी एक कोने में बसे हैं। अगर वो यादें हमारे दिल के करीब हो तो कभी मिटेंगी नहीं। फिल्मी दुनिया के चाहने वाले लोगों के दिमाग में आज भी काफी कलाकारों की यादें छुप कर बैठी हैं। मैं अनामिका ऐसी ही यादों का झरोका लेकर आती हूँ आपके अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज की कहानी उस अभिनेत्री पर है जिसने ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से लेकर कलर सिनेमा तक का सफर तय करते हुए भारत के नामी अभिनेताओं के साथ काम किया था, पर आज उनका चरित्रकाल पर्दे के पीछे पड़ा है। उस अभिनेत्री का नाम है इंद्राणी मुखर्जी। दोस्तों, इंद्राणी मुखर्जी का फिल्मी सफर 24 साल तक चला। 1960 से लेकर 1984 तक उन्होंने बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, पर फिल्मों में दाखिल होने के पहले की उनकी कहानी बड़ी मजेदार है। इंद्राणी मुखर्जी का जन्म 1 मार्च 1942 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में हुआ। वो उच्च शिक्षित बंगाली ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिताजी जितेंद्र मुखर्जी डॉक्टर थे तथा उनकी माताजी कामिनी देवी मुखर्जी घर संभाला करती थी। इंद्राणी को अन्य 7 भाई बहन भी थे, जिनमें से एक बहन माया बंगाली सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री थी। दरअसल उनके परिवार में कुछ लोग थे जो फिल्मों से बिल्कुल नफरत करते थे, पर इंद्राणी मुखर्जी को बचपन से ही फिल्मों के प्रति आकर्षण था, पर इस बात को वो बयां नहीं कर पाती थी। उनका बचपन लाड़ प्यार से बीता था और घर में उन्हें पीप इस नाम से पुकारते थे। कभी कभी वो बहन के साथ फिल्मों के सेट पर भी जाती थी। जब वो बहन के साथ कलकत्ता रहती थी तब कुछ लोग इंद्राणी मुखर्जी को पहाड़ी लड़की समझते थे। माया को देखकर ही उनके मन में एक्ट्रेस बनने का ख्याल आया था। जब इंद्राणी 15 साल की थी तब एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उन्होंने सहभाग लिया। इसे मशहूर अभिनेत्री नूतन और शोभना समर्थ जज कर रही थी। सौभाग्य से इंद्राणी पहले पायदान पर पहुंच गई। तब नूतन ने उनसे पूछा, आप बहुत खूबसूरत दिख रही हो, क्या आप फिल्मों में काम करना चाहोगी? ये सुनकर इंद्राणी ने अपने रिश्तेदार की तरफ देखा जो उनसे ना बोलने को कह रहा था। ये देख इंद्राणी ने नूतन से ना कह दिया। फिर नूतन ने आगे कुछ कहा नहीं, पर यही सवाल शोभना समर्थ ने भी पूछा। ये सुनकर इंद्राणी ने फिर से उस रिश्तेदार की तरफ नजर घुमाई, पर इस बार वो रिश्तेदार वहां नहीं था। इस मौके का फायदा उठाकर इंद्राणी ने तुरंत हाँ कह दिया और उन्होंने कहा कि बचपन से उन्हें अभिनेत्री बनने की इच्छा थी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब वो छोटी थी तब वो ड्रामा शोज अरेंज किया करती थी, जिसे अन्य रिश्तेदार देखा करते थे। अभिनेत्री बनने का शौक उन्हें बचपन से ही था, क्योंकि उन पर इस बात का बड़ा प्रभाव था कि उनकी बहन बंगाली फिल्मों में काम करती थी। वो देखती थी कि कैसे उनकी बहन शूटिंग के लिए सुबह जल्दी निकलती थी और फिल्मों के बारे में बातें करती थी। सौंदर्य स्पर्धा जीतने के बाद इंद्राणी की माँ बड़ी खुश हुई। उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म मेकर बिमल रॉय को खत लिखा और उनसे अपनी बेटी को काम देने की गुजारिश करने लगी। क्योंकि इंद्राणी की बड़ी बहन बंगाली फिल्मों में सक्रिय थी, इसलिए बिमल रॉय साहब ने जवाब देते हुए कहा कि आप अपनी बेटी के फोटोग्राफ्स भेज दो। पर माँ ने गलती से वो सभी फोटोग्राफ्स भेज दिए जिसे इंद्राणी पसंद नहीं करती थी। उन्हें लगा कि अब बिमल रॉय उन्हें नहीं बुलाएंगे, पर किस्मत इंद्राणी के साथ थी। बिमल साहब ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए मुंबई बुलाया, पर यहाँ भी उन्होंने गलती कर दी। किसी कारणवश वो ऑडिशन के लिए देरी से पहुंची, पर फिर भी बिमल साहब ने उनका ऑडिशन लिया। यहाँ इंद्राणी को कुछ डायलॉग्स दिए गए। सीन इस प्रकार था कि इंद्राणी को अपने प्रेमी को छोड़कर जाने से रोकना है और उन्होंने प्रेमी का हाथ पकड़ा हुआ है। इस स्क्रीन टेस्ट को इंद्राणी मुखर्जी ने एकदम गहराई में उतार कर किया। आंखों में ग्लिसरीन डाले बिना उन्होंने आंखों से आंसू निकाले और इस ऑडिशन को भावपूर्ण तरीके से सफल किया। ये देखकर बिमल दा बड़े खुश हुए और इंद्राणी से कहा कि वो उन्हें टेलीग्राम के जरिए रिजल्ट्स देंगे। वो साल था 1959 का, जब बिमल रॉय ने इंद्राणी मुखर्जी को बतौर साइड हीरोइन साइन किया था।
1960 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम था उसने कहा था। सुनील दत्त, नंदा, तरुण बोस और दुर्गा खोटे जैसे महान कलाकारों के साथ इंद्राणी ने बेधड़क अभिनय किया। इस फिल्म के सफलता के बाद उन्हें अगली फिल्म धर्मपुत्र मिली। ये शाही कपूर साहब की पहली हिट मूवी थी जिसमें माला सिन्हा और रहमान जैसे दमदार कलाकार भी थे। फिल्म उसने कहा था कि शूटिंग के दौरान अभिनेत्री दुर्गा खोटे ने देखा कि छोटी इंद्राणी को होटल का खाना पसंद नहीं आ रहा। इसके बाद खुद दुर्गा जी सिर्फ इंद्राणी के लिए अपने घर से खाना लेकर आने लगी। इतने बड़े सुपरस्टार अभिनेत्री का प्यार देखकर इंद्राणी पिघल गई। एक इंटरव्यू के दौरान इंद्राणी बताती हैं कि जब बिमल साहब ने उन्हें पहली फिल्म दी तो उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था, देखो तुम एक्ट्रेस हो, स्टार नहीं। मैं तुम्हें अच्छी एक्ट्रेस बनता हुआ देखना चाहता हूँ। स्टार एक्ट्रेस बनने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। बिमल दा के इस बात का सीधा मतलब ये था कि इंद्राणी को आगे चलकर कड़ी मेहनत करनी है, और इंद्राणी ने भी बिमल दा के भरोसे को टूटने नहीं दिया। आगे चलकर ये अभिनेत्री हिंदी सिनेमा की बड़ी हस्ती कहलाई। इंद्राणी मुखर्जी मजाकिया स्वभाव की थी, उनके मुस्कान से लोग प्रभावित होते थे। फिल्म फेयर आयोजित एक फंक्शन में प्रसिद्ध फिल्मकार सोहराब मोदी और उनकी बीवी मेहताब ने इंद्राणी को देखा। मेहताब ने सोहराब से कहा कि ये लड़की कौन है, इसे तो हमारे फिल्म में होना चाहिए था। सोहराब मोदी ने इंद्राणी को अपने घर डिनर के लिए न्योता दिया, जिसे इंद्राणी ने तुरंत ही स्वीकार किया। जिस फिल्म के लिए सोहराब मोदी ने इंद्राणी को साइन किया वो कभी रिलीज नहीं हो पाई, पर सोहराब मोदी उस जमाने के महान फिल्मकार में से एक थे जिनके साथ हर एक कलाकार काम करना चाहता था। इंद्राणी मुखर्जी ने बतौर एक्ट्रेस कम फिल्में की, पर 1970 के बाद उन्हें बतौर कैरेक्टर एक्टर सफलता मिलने लगी। माँ और भाभी के किरदार में भी वो खूब चमकी। एक इंटरव्यू के दौरान इंद्राणी बताती हैं कि वो बहुत खुशनसीब है क्योंकि उन्हें हर प्रकार के किरदार मिले और साथ ही बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत में भी इंद्राणी मुखर्जी को एक्ट्रेस बनने का मौका मिला था। 1966 में रिलीज हुई इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए सिलेक्ट भी किया गया था। हकीकत, मेरे लाल, गृहस्थी, हीर राजा, परवरिश, शादी, नसीब, धर्मवीर, परवरिश, देश परदेश, जमीर, चाचा भतीजा, जानी दुश्मन, मिस्टर नटवरलाल, द बर्निंग ट्रेन जैसे फिल्मों के साथ अभिनेत्री इंद्राणी मुखर्जी को अच्छी सफलता मिली। अन्य अभिनेत्रियों की तरह माँ, पत्नी और भाभी के किरदार के लिए इंद्राणी का भी नाम सामने आता है। हिंदी के अलावा वो मराठी फिल्म अपराध में भी दिखती हैं। अपने सफलता के केंद्र बिंदु पर इंद्राणी ने रिटायर होने का फैसला लिया। वो कहती हैं कि उन्हें अपने परिवार को समय देना था। 1992 के साल में उन्होंने अपने पति के साथ मुंबई छोड़ा और नासिक शहर में रहने लगी। वहाँ उनके पति कृष्णलाल खन्ना अपने कंपनी का देखभाल करते हैं। कहा जाता है कि इंद्राणी ने प्रेम विवाह किया था। उन्हें दो बेटे भी हैं, अनिरुद्ध और दीपांकर। इन दोनों की शादी हो चुकी है और आजकल इंद्राणी मुखर्जी सुख शांति भरी जिंदगी जी रही हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।